ओम वंदे गो मातर। मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पर्वतासन। पर्वतासन का अभ्यास दो प्रकार से होता है, दोनों प्रकार एकदम से अलग है, इसलिए हम आपको दोनों ही प्रकार बता देंगे। क्योंकि कई बार आप लोग प्रश्न करते हो, हमने तो पर्वतासन ऐसा भी देखा, हमने आसन ऐसा भी देखा, इसलिए हम आपको सारी जानकारी साथ में दे देंगे ताकि आपके प्रश्न कम से कम रहे। हाँ, आप पूछना चाहें कुछ भी पूछ सकते हैं, पर प्रश्न कम से कम बने ऐसा मेरा हमेशा एक प्रयास रहता है। तो मैं इस वीडियो में आपको जो बताने वाली हूँ, पर्वतासन करने में आपको सावधानियां क्या रखनी, इसके लाभ क्या है, उसको कैसे किया जाता है, दोनों ही बताऊंगी ताकि आपको करने में समस्या ना आए। क्योंकि एक पर्वतासन है, सूर्य नमस्कार का भी अंग है, और बच्चे तो अक्सर पर्वतासन वो करते ही रहते हैं। जो हमारे यहाँ सन्यासी जब साधना आदि करते थे तो दूसरा पर्वतासन भी लगाते थे। तो दोनों पर्वतासन के लाभ अलग अलग है मित्रों। तो मैं आपको जो पर्वतासन बताऊंगी उसके लाभ भी बताऊंगी, पर सावधानी सब में समान रखनी है कि आप हो सके वहां तक खाली पेट करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, भोजन के 3-4 घंटे बाद करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें पेट हल्का होना चाहिए। और दूसरे में भी यदि आप हल्का है, क्योंकि दूसरा जो अभ्यास उसमें साधना की स्थिति बन जाती है, तो उसमें पेट हल्का हुआ तो आप साधना कर पाएंगे, वरना भरे पेट में साधना नहीं हो पाती, नहीं कि आप ध्यान वगैरह नहीं कर पाते हो। तो चलिए पहले पहला प्रकार करके दिखा दूं, उसके बाद उसके अल्लाह भी बताऊंगी और कैसे करना भी आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो मित्रों, शुरुआत में आप जो करना है ना, आपको जो सूर्य नमस्कार का जो अंग है, पहले वो बता दूं कि आपको कैसे करना होता है उसको। आपने हाथ ऐसे टेक रखे हैं और आप ऐसे पहले तो ऐसे आ जाइए, ठीक है। इस कंडीशन में इसको मांजरासन कहते हैं, मांजरासन की स्थिति में आप आ गए। उसके बाद आपको क्या करना है, पैर थोड़ा पीछे ले लीजिए, आपको पैर ऐसे रखने हैं और उसके बाद आपको घुटने उठाने हैं और आपको पूरा उठा के ऊपर हो जाना है। और उसके बाद आपको कहां तक पहुंचना है आपको बता दो, शुरुआत में आप इतना ही कर पाएंगे। अब आपको धीरे धीरे आपका जो पैर अभी आपका उठा हुआ है ना, इसको पूरा एड़ी भी आपको जमीन पे टच कर दे रही है और आपका जो जो हाथ है ना वो कान पर टच हो जाएगा इस तरीके से। इसको नाभि दर्शन भी कहा जाता है, इसको हम नाभि दर्शन कहें तो ज्यादा अच्छा होगा। और इसको साथ में पर्वतासन भी कहा जाता है। ये देखिए इस तरह से ये बनता है, इस तरह से हो जाता है और बड़ी सरलता से हो जाता है। इस समय आपकी जो ठुड्डी है ना, जिसको आप चिन्ह कहते हो, चिन्ह आपका गले से लग जाता है और इस प्रकार से आप अपने ही नाभि देखते हैं इस तरीके से। तो नाभि दर्शन भी है इसका नाम और इसका नाम पर्वतासन भी, क्योंकि आप देखो ऊपर एकदम कोण जैसा निकल जाता है ना, इसलिए इसको पर्वतासन कहते हैं। अब इस आसन के लाभ भी बता दो यहीं पे, क्योंकि करते करते लाभ इसलिए बता रही ताकि आपको समझ में आ सके। अब आप देखेंगे, आप करेंगे ना आपको पता चलेगा, एड़ी से लेकर घुटना, घुटने से लेकर जांग और जांग से लेकर हमारा पूरी रीढ़ की हड्डी, पूरे की पूरी हमारी जो कहते हैं ना वज्र नाड़ी जिसे कहते हैं ना, उसमें पूरा प्रेशर आता है, पूरा खिंचाव आता है, पूरा उसको व्यायाम मिलता है, जिससे हमारे संपूर्ण शरीर की जो नस नाड़ियां वो प्रभावित होती है। यदि आप इसको ऊपर पैर पंजे उठा लेते हो ना, एड़ी उठ जाती है, पंजा की एड़ी उठ जाती है ना, तो इसका उतना लाभ नहीं मिलेगा मित्रों। इसलिए आपको पंजा और एड़ी दोनों ही टिका के रखनी है, जब टिकेगा तो इसका लाभ अलग मिलता है। आप उठा के देखिए, आपको दोनों का अंतर पता चल जाएगा। तो ये आपको समझना होगा कि ये आपको कैसे करना है। और उसके साथ ही मित्रों, यदि आप इस समय अपनी दृष्टि केंद्रित कर लेते हैं कहाँ पे, नाभि टाप की दृष्टि केंद्रित होती है इसमें, तो आपको क्या है, इसमें आपके पेट के तंत्र को भी लाभ मिलता है, पेट को संपूर्ण, जिसका पाचन तंत्र गड़बड़ है, जिसको भूख नहीं लगती है, उसको भी लाभकारी है। और यदि आप यहाँ सांसों पर ध्यान कर रहे हो और सांसों पर ध्यान करते करते हल्का सा मूलबंध भी लगा लेते ना, तो ये मित्रों आपके गर्भाशय, आपके अंडाशय की, हमारे जितने भी धातु रोग होते हैं ना महिलाओं पुरुषों के, उनमें भी बहुत अच्छा काम करता है। तो आप उसका भी इससे लाभ ले सकते हैं और पूरा फायदा उठा सकते हैं। और साथ ही हमारा जो सर है, जिसका सर दर्द होता है, आंखों में प्रॉब्लम होती है, उनको भी इससे आराम मिलता है। तो आप इस आसन को करिए, उसका पूरा लाभ लीजिए, आपको पूरा लाभ मिलेगा। तो ये हमने आपको बता दिया कैसे आपको करना है, कौन सा आसन है ये, पर्वतासन। पर्वतासन आप कैसे करें आपको समझ में आ गया होगा, ये एक प्रकार है इस पर्वतासन का। तो हमने इसके लाभ भी बता दिए करते करते, और मैं बोलती जा रही हूँ और करते जा रही हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अभी हमने आपको एक आसन बता दिया, अब इसका जो दूसरा पर्वतासन किया जाता है वो कैसे किया जाता है मैं आपको भी बता दूं। और उसमें जो है आपका मन शांत हो जाता है और साथ ही आपकी जो एक्टिविटीज है वो काफी हल्की धीमी हो जाती हैं, मतलब आपका मन भागदौड़ से बच जाता है, भागदौड़ कम करता है और साथ ही आपका मन स्थिर होने लग जाता है। अब जो दूसरा अभ्यास करना है वो कैसे करना है, आप बैठ सकें तो पद्मासन में बैठ जाइए, पद्मासन लगा के बैठ जाइए, और नहीं बैठ पा रहे तो कोई बात नहीं, आप खाली हम जो एक अभ्यास बताते ना आप ऐसे, ये आप सुखासन में बैठेंगे, सुखासन में उतनी पीठ सीधी नहीं रह पाती है तो उतना काम नहीं करता है। तो जो सुखासन में बैठते हैं उसमें आप एक काम और कर सकते हैं कि आप जो नीचे वाला पैर है ना उसको बाहर ऐसे निकाल लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा बाहर आपने निकाल लिया तो आप देखिए आपकी पीठ पहले से बेटर सीधी हो गई है। आप करके देखिए मेरे साथ में, आपको समझ में आ जाएगा। तो आपकी पीठ पहले से सीधी हो गई है तो आप ऐसे भी बैठ सकते हैं, पर मुझे ये पद्मासन में करते बनता तो मैं आपको पद्मासन नहीं करके दिखाऊंगी। तो अब आपको क्या करना है, इसमें बैठने के बाद आपको अपने दोनों हाथ ऊपर ले जाने हैं, इस तरीके से ऊपर मिला देने हैं
और मिलाने के बाद आपको, हाँ थोड़ा मैं आगे सर लूँ तो सर पूरा आ जाएगा, हाँ ऊपर आपको लगा के कान से आपको टच करके ऊपर खींच देने हैं। अब आप यहाँ कान से टच नहीं हो रहे तो जितना आ जाए उतना कर लीजिए, ये आपका पूरा इसमें खिंचाव लेता है, ये पूरा का पूरा इसमें खिंचाव आता है। तो आप पूरे हाथ आपके सीधे होने चाहिए, देखिए हाथ मुड़े नहीं होने चाहिए, ठीक है, हाथ आपके ऊपर जुड़े हुए हैं और आपके हाथ ऊपर पूरे सीधे हैं। इस प्रकार से ये आसन होता है, इसको भी पर्वतासन कहा जाता है। अब जब ऐसे बैठते ना, जो आपका मन कहीं भटक रहा है, मन कहीं कुछ घूम रहा है, उससे आपका मन केंद्रित करने में, एकाग्र करने में आपको सहायता होती है। आप ज्यादा देर हाथों को ऊपर नहीं रख पाएंगे क्योंकि हाथ दर्द हो जाते हैं, तो कोई बात नहीं जितनी देर रख पाते उतनी देर रखिए। अब आप देखिए जब आप ऊपर हाथ रखते हैं ना, तो ऐसी स्थिति में आपके फेफड़ों में एक अच्छा खासा तनाव जैसा महसूस हो रहा है, आपके फेफड़ों में एक अच्छा खासा व्यायाम मिल रहा है। इस समय हो सकता है आपको जमाइयां आने लग जाए, ये स्थिति ऐसी है जब आपके फेफड़े पूरे खुलते हैं, आपकी पीठ सीधी है, कमर सीधी है और आपका हाथ पूरा ऊपर है, तो आपके फेफड़े पूरी तरह से खुले हुए हैं, तो आपके फेफड़े ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपकी सांस लेने में आपको जम्हाई आ सकती है, तो कोई बात नहीं जम्हाई आने दीजिए। और इस आसन में आप चाहें तो आंखें बंद कर सकते हैं, बाकी आसन में जब हम गतिमान व्यायाम करते तो आंखें बंद नहीं करते हैं, आसन नॉर्मली आसन में भी व्यायाम इससे स्थिर होना है तो आप यहाँ आंखें बंद कर सकते हो, तो यहाँ आप आंखें बंद कर सकते हैं और अंदर आपके क्या गतिविधि हो रही है आपके सर से लेकर पैर तक आपको महसूस हो सकती है। क्योंकि जब आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है ना, तो जो आप सांस महसूस करिए, आप छोटी भी सांस लेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि आपकी सांस मूलाधार चक्र तक जा रही है। मूलाधार चक्र यानी कि जहां बैठे ना, जो हिस्सा हमारा नीचे भूमि को टच होता है ना, यदि आपकी पूरी पीठ सीधी है ना मित्रों, तो आपको वहां तक आपकी सांस पूरी तरह से महसूस होगी। ये मैंने कई बार किया है और मैंने आपको कई वीडियोज बताया भी है, तो आज आप करके वापस देख सकते हैं कि देखिए जितनी आपकी पीठ सीधी, जहां आपकी सांस अटकी हुई महसूस हो रही है मतलब वहां से आप सीधे नहीं है, ये आपको पता चल जाना चाहिए। तो ये है पर्वतासन का अभ्यास, दो तरीके से हमने आपको बताया और आशा है आप इसको दोनों को जो भी, क्योंकि वो तो हमने सूर्य नमस्कार के रूप में बताया, आपको वहां भी करने में सरलता होगी और ये है जो आपको एकाग्रता बनाने में आपकी सहायता करेगा। आप इस आसन को 5 मिनट से लेकर 2 मिनट से लेकर, क्योंकि शुरुआत आप आधा मिनट से ही करेंगे क्योंकि उतना ही आपके हाथ रुक पाएंगे, उतना ही रुक पाएंगे, तो आधा मिनट से लेकर आप इसको 2, 5, 10, 15, 20 मिनट भी कर सकते हैं। मित्रों हमारे यहाँ कुछ सन्यासी ऐसे, उन्होंने सालों से हाथ ऊपर किया नीचे किया ही नहीं है, उनका हाथ सुन्न हो गया है, पर मित्रों वो हट है, वो काम करना उचित नहीं है। पर हाँ हम जो ये करते हैं अपने मन को एकाग्र करने के लिए, और कुछ चीजें होती है जिसमें हो जाती है, तो आप इस तरह से अभ्यास करेंगे तो आपको पर्वतासन का पूरा लाभ मिलेगा। इसमें आपका पूरा का पूरा जो ये है ना, ये पूरी पीठ एकदम से सीधी हो जाती है, जो आपके पेट के सिस्टम को आप देखिए, आप नॉर्मल बैठते हैं आप ऐसे पेट पकड़ के देखिए आपका पेट कितना बड़ा, ऐसे करके देखिए कितना बड़ा लगता है, और वहीं जब आप ये आसन का अभ्यास करेंगे और उस समय आप देखिए आपकी जो पीठ सीधी हो जाती है ना, आपका पेट अब जरा सा एक दूसरा बच जाता है, क्योंकि मेरा तो बच जाता है, हम ज्यादा मोटे हैं तो थोड़ा ज्यादा बच जाएगा, पर नॉर्मल जो आपका पेट की साइज थी उससे आपकी पेट की साइज इतना ही करने में आधी रह जाती है। और मित्रों इसलिए पेट के तंत्रों पर भी बहुत गहरा प्रभाव डालता है, तो आपका पाचन तंत्र भी इससे सुदृढ़ और सुधार पाता है, तो आप इसका पूरा लाभ ले सकते हैं। आपको जो पर्वतासन करते बने उसका लाभ लीजिए। आप यदि इसको लेट के करना चाहते हैं, वैसे तो बैठ के ही करना चाहिए, पर जो बैठ के नहीं कर पा रहे तो जो लेट के करना चाहते हैं, तो मित्रों मैं आपको लेट के करने की भी कंडीशन बता दूं, वैसे लेट के होता नहीं है पर हम उसको दूसरे रूप में कर सकते हैं। तो उसमें आप क्या करेंगे, आप लेट जाइए और आप ऐसे लगा लीजिए तो आपकी जो पीठ है ना थोड़ी उठ जाएगी, इस तरह से लगाएंगे तो पीठ उठ जाएगी, तो आप चाहें तो पीठ के नीचे कुछ कपड़ा रख सकते हैं या कुछ भी तकिया वगैरह लगा सकते हैं, और आप हाथ जो है ना और पूरे ऊपर खींच दीजिए, पूरे ऊपर खींच दीजिए इस तरह से, ठीक है। जब आप ये अभ्यास करेंगे आप यहाँ तक भी टिक सकते हैं तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं देंगे, पर आपको हाथ खींच के रखने से ढीले छोड़ दे, ढीले नहीं छोड़ने, आपको हाथ ऊपर खींच देने, तो ये जो है ना मित्रों ये भी आपके बॉडी को काफी रिलैक्स देता है, आपके साइड को काफी रिलैक्स देता है, आपके पेट को कम करेगा, आपकी पाचन तंत्र को सही करेगा, आपके फेफड़ों को सही करेगा और आपकी जीवनी शक्ति का विकास करेगा। और मैं जैसे उठी हूं ना, यदि आपको नाभि वगैरह से अटकने की स्थिति है, कमजोर है तो आप ऐसे नहीं उठेंगे, तो कमजोर है तो आप कैसे उठेंगे, कमजोर है तो आप करवट लेके उठेंगे। और मुझे तो ऐसे उठने की आदत है, मैं व्यायाम करती रहती हूँ, आपने मेरे बहुत सारे व्यायाम की वीडियोज देखे तो मुझे आदत है, इसलिए मैं वैसे उठ जाती हूँ, समस्या नहीं होती, पर आप ऐसी भूल ना करें। इसे मैंने आपको करवट से भी उठ के दिखा दिया कि आपको करवट से उठना ही है, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। अब मित्रों शरीर में बहुत सारे रोग हो जाते हैं जैसा कि आप जानते हो, और हमारा उद्देश्य क्या है, दवा मुक्त भारत। और तब ये कब बनेगा, जब आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने बहुत सारे वीडियोस दिए दवा मुक्त और वायरस के प्रभाव लिस्ट में, रोगों पर दुनिया भर के वीडियो में दिए, ना मिले तो कमेंट करिएगा, हम आपको बता देंगे कहां वीडियो मिलेगा, ना मिले तो हम वीडियो बना भी देंगे आपके लिए, तो आपने रोग अनुसार वीडियो चुनिए। और हर रोग के समाधान के लिए स्वास्थ्य नियम, रोगों के कारण, प्राणायाम, आसन, मुद्रा, व्यायाम क्या क्या करना है मैंने आगे डिस्क्रिप्शन में दिया है, और
हाथ तो विचार मुक्ति, सरल भोजन, सफल घरेलू उपचार, हमने सारी चीजें लिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी है। आप देखिए वीडियोस को, पालन करिए, आपको हर रोग का समाधान मिलेगा, वो भी बिना किसी दवा के, बिना किसी डॉक्टर की सहायता के। और यदि आपको लगता है कि भाई आगे हमें वीडियो पर प्रश्न नहीं कर सकते, तो इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप हमें वहां भी प्रश्न कर सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं। और अंत में हमने अपना नंबर दिया, नंबर कंसल्टेंसी के लिए दिया, आपको हर रोग का समाधान हमने ऊपर बता दिया, पालन करिए, समाधान हर रोग का हो जाएगा। पर आपको जल्दबाजी या कुछ और चीजें जाननी है, तो उसके लिए फिर आपको कंसल्टेंसी करनी पड़ती है, और कंसल्टेंसी की फीस होती है, फीस आपकी समस्या के अनुसार होती है। तो ये वीडियो कैसा लगा उसे बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।